हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे। आज आगरा में हमारा थर्ड थर्ड ना थर्ड डे है और आज हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट देखने। तो अभी अभी उठे हैं, सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं और फ्रेश होकर अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद एक प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि हमने बुक किया था होटल 2 दिन के लिए, तो हमने सोचा जब यहाँ पर आएंगे उसी दिन फोर्ट घूम लेंगे और दूसरे दिन ताजमहल देख लेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम पहुंचे ही थे यहाँ पर 4 बजे और मैंने सुना है फोर्ट जो है काफी बड़ा है, वो घूमने के लिए मतलब आधा या पूरा दिन लग जाता है और 4 के बाद हम जाएंगे कब और वो बंद भी हो जाएगा, तो इसलिए उस दिन कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ पर हमने सोचा कि एक दिन एक्सटेंड कर लेते हैं रूम और उसके बाद में देख लेंगे। तो कल जो था थर्सडे था, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है, तो इसलिए हम थर्सडे को ताजमहल जाकर आए और आज हम फोर्ट जा रहे हैं। लेकिन गला थोड़ा बैठ गया है। लेकिन हमें ना यहाँ पर होटल में रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि होटल पूरा फुल है ये, तो हमने रिक्वेस्ट की तो हमें इसलिए अभी उन्होंने एडजस्ट करके दिया है एक रूम, लेकिन वो डिलक्स रूम है तो आज हमें वहां पर शिफ्ट करना है। तो अभी फटाफट जाकर ब्रेकफास्ट करके आएंगे, उसके बाद पूरा सामान समेटना है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते सारा ऐसे ही पड़ा है। ये देखिए, ये साड़ी जो मैंने कल डाली थी ऐसे ही थोड़ा हवा लगने के लिए रख दी है और बाकी बहुत सारा सामान, और माऊ भी आवा सामान से फेंकती रहती, देखिए यहाँ पर उसके कपड़े। तो ये सब ना हमें अभी आकर बैग पैक करने हैं, देखते हैं बैग पैक करके अगर आप भी रूम उन्होंने एक्सचेंज किया तो करके जाएंगे या फिर बैग नीचे उनको देकर जाएंगे कि फिर वो रूम में रख देंगे, क्योंकि हमें जाना है फोर्ट तो हम वेट नहीं कर सकते यहाँ पर। माओ चल जाओ यहाँ, ये देखिए ये सब कुछ अभी साफ करना है मुझे, सब जगह ऐसे कपड़े पड़े हैं। इस कबर्ड में भी सारे कपड़े, इसे भी निकालने हैं, 2 दिन के मैंने यहाँ पर सेट किए थे। लाओ और ये है प्यारा सा स्विमिंग पूल। बाकी 8 बज रहे हैं और मैं विदाउट जैकेट विदाउट एनी मतलब मैं घूम रही हूँ, उससे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर ठंड कितनी है। तो ऐसे नहीं कहूंगी कि नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्वेटर वगैरह डाल के लोग घूम रहे हैं, शायद हमें ही नहीं ठंड लग रही है, लेकिन कम है, उतनी भी ज्यादा नहीं है यहाँ पर ठंड। मुंबई के लोगों को ठंड नहीं लगती शायद, ऐसी बात है। मुझे लगा कि मुंबई के लोगों को ज्यादा ठंड लगेगी कम्पेयर टू लोकल पीपल, लेकिन उल्टा है, यहाँ के लोगों को ठंड लगती है। सब आपको स्वेटर पहने हुए मिलेंगे। हाँ, आ गए हम भी अंदर, सब लोग आपको स्वेटर पहने हुए मिलेंगे यहाँ पर। हम ही ऐसे घूम रहे हैं और माओ को हमने थोड़ा पैक किया है क्योंकि ठंड हो ना हो अलग क्लाइमेट है, तो इसलिए उसे हम पूरा पैक करके रखते हैं। ये देखिए हमारा सांता क्लॉज। तो अभी चलते हैं खाना खाने। नाउ चल, आलू पराठा, यहाँ पर है साउथ इंडियन सांभर, इडली, मेदू वड़ा और ये है लेमन राइस। आगे देखते तो बहुत सारी वैरायटी है। बाबू जी भी ना देखो, सब खाना खाने के बाद लगी शुरू की।
तो अभी खत्म हो गया। अभी एक मैं कॉफी पी रहा हूँ, एक चाय और माउ पी रही है। ये तीन पकड़े तो चलो मिलते हैं बाद में ही। So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें रूम जो है चेंज करना था, तो हमारा अभी रूम चेंज हो गया है। अभी बज रहे 12 और रूम चेंजिंग की वजह से अभी तक हम एक होटल में ही है, अभी तक गए नहीं। और अभी रूम चेंज होकर हमें मिला ये डिलक्स रूम, तो चलिए अंदर से दिखाती हूँ। तो चलिए आइए। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं स्टोरेज। जैसे कि मैंने उस रूम में आपको दिखाया था, एक ये टेबल दिया है, प्रेस मशीन दी है, प्रेस मशीन का टेबल, और ये चप्पल दिए है, ये लॉन्ड्री बैग वगैरह है, इस पर फॉर्म फिलअप करके लॉन्ड्री हम दे सकते हैं। यहाँ पे एक लॉकर दिया है, आपकी कीमती चीजें आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर 4 ड्रॉवर दिए हैं जिसमें आप अपनी चीजें यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, और ऊपर हैंगर भी है अगर आप कपड़े हैंग करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर भी एक बड़ा सा ड्रॉवर है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो, काफी सारा सामान इसमें आ जाएगा। और ये हमारे बैग से, अभी जस्ट हम यहाँ पर आए तो सारे बैग से ही पर है। ये है हमारा टी पॉइंट जो हम हमेशा खत्म करते हैं, लेकिन 2 दिन से हमसे खत्म नहीं हो रहा है। और यहाँ नीचे है फ्रिज जो अभी पूरा खाली होगा। पूरा फ्रिज खाली है, अभी इसमें हम फिल करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल सी पेंटिंग। तो यहाँ पर आते हैं, बड़ा सा एक मिरर है जिसमें माऊ खुद को देख रही है। और यहाँ पर हमारे बैग से, ये है टीवी जो हमेशा बंद होता है हमारा। और आगे आते हैं, यहाँ पर एक चेयर दी है उन्होंने, ये है स्टडी टेबल, आप यहाँ पर कुछ भी पढ़ सकते हो रखकर। माऊ इस चेयर को घुमा घुमा के एंजॉय करती है। तो इसे भी ये ड्रॉवर दिए गए हैं, चार्जिंग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और ये जो है ना, ये प्रोमो कोड है जिसे स्कैन करके आप उनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, मेनू वगैरह सब उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर और एक चेयर है, टेबल, टी टेबल। और यहाँ पर काउच है जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, और जिस पर अभी मैं बैठकर एंजॉय करूंगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पेंटिंग कितनी प्यारी प्यारी है। तो पूरे रूम में ना पेंटिंग काफी अच्छी है, मैंने आपको 2-3 जगह की दिखाई, और भी जगह पर पेंटिंग है यहाँ पर। और ये देखिए सेंटर लाइट कितना प्यारा है, और लैम्प तो ऐसे यहाँ पर 2-3 दिए गए हैं। और ये देखिए, ये स्टडी लाइट। तो ये मैंने उस रूम में भी आपको दिखाया था, ऐसे जो ग्लासेस होते हैं ना उसे मैं थोड़ा सा पीछे करके रखती हूँ, क्योंकि माऊ ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा काउच ही कह सकते हैं इसे हम, काउच दिया है। और वो जो लॉर्ड है वो इसके है जो माऊ ले लेकर खेल रही है। ये हमारा बेड है, और बेड के पीछे भी पेंटिंग देखिए आप। हाँ। और यहाँ पर भी एक टेबल दिया है, साइड टेबल, जो उस साइड में भी है, इस साइड में भी है। इसे भी ड्रॉवर है, नीचे थोड़ा सा स्टोरेज है, दोनों ड्रॉवर में इसी तरह से। और ये देखिए लाइट, ये कपड़े का है पूरा, वाओ कपड़े का है ये। अभी आते हैं बेस्ट पार्ट। मैंने आपको कभी इतने एक्साइटेड होके बाथरूम वगैरह नहीं दिखाया होगा होटल का जितना मैं आज एक्साइटेड हूँ। आइए, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ये कोई दिखाने की चीज नहीं फिर भी दिखा दीजिए। ये टॉयलेट है, और ये है बाथरूम। और यहाँ पर आते हैं, ये है बेसिन। यहाँ पर उन्होंने थोड़े टॉवल दिए, छोटे छोटे से ग्लासेस है, और ये बड़ा सा मिरर है। यहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट्री सोप्स वगैरह देते हैं, शैम्पू, सोप, कंडीशनर वगैरह वगैरह, लोशन भी यहाँ पर मिलता है। हाँ। और यहाँ नीचे आते तो यहाँ पर भी 2 छोटे छोटे मीडियम साइज टॉवेल दिए हैं, ये बाथ टॉवेल है। और इसके नीचे एक वेइंग मशीन दी है,
तो आपने अगर खाना खाया तो आकर वेट जरूर चेक कीजिए। उसके बाद आते हैं बेस्ट पार्ट, बाथटब। तो इस रूम में बाथटब है और थोड़े से चीजें एक दो एक्स्ट्रा है, इसलिए इसे डिलक्स कहा गया है यहाँ पर, और इसलिए इसके चार्जेस ज्यादा है कम्पेयर टू दैट रूम। तो बाथटब की वजह से इस रूम का चार्जेस ज्यादा है, और हमें मतलब एक स्टे रहना था और होटल फुल था, तो इसलिए हमें डिलक्स रूम ही मिला, तो हमने यही ले लिया। तो ये है इसका बेस्ट पार्ट है इस रूम का। और वहां पर आप देख सकते हैं सोप, शैम्पू, लोशन, कंडीशनर सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा पूरा होटल का रूम। अभी आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो इस रूम से बाहर का व्यू कुछ इस तरह से, हमारे पहले वाले रूम से ना पूरा रोड साइड सब दिख रहा था, यहाँ पर ना होटल का ही सब कुछ दिख रहा है। वो देखिए स्विमिंग पूल यहाँ से क्लियरली विजेबल है। हमारा रूम इस साइड में था पहले, और ये फ्रंट साइड में ये स्विमिंग पूल दिखता था, और विंडो से हमें बाहर का दिखता था, रूम के बाहर का, मतलब ये जो रोड जा रहा है ना उसका सब व्यू था, और यहाँ पर ना पूरा होटल का व्यू है। सो गाइज, ये जिस रूम की मैं बात कर रही हूँ उस होटल का नाम है डबल ट्री हिल्टन होटल। जी हाँ, जो हमने गोवा में लिया था वही वाला होटल है ये। लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हर जगह पर होता है, तो ये भी काफी अच्छा होटल है। और इस होटल का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया डबल ट्री हिल्टन होटल। यहाँ का खाना भी अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर, मतलब डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आफ्टरनून का आप कुछ खाना चाहो तो उसके चार्जेस है। तो इस तरह से है सारा कुछ, और स्टाफ काफी अच्छा है। आप अगर आगरा विजिट करो तो इस होटल में जरूर आइए। और चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अभी हम जा रहे हैं रेडी होकर आगरा फोर्ट देखने, तो उसका मैं अलग से वीडियो शूट करूंगी, तो उससे पहले रेडी हो जाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई नया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अलग अलग कंटेंट आते रहते हैं, जैसे कि बेबी रिलेटेड रिव्यू वीडियो वगैरह बहुत कुछ आता रहता है, व्लॉग भी आते हैं। तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ये होटल कैसा लगा। चलिए, बाय बाय।